वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ हेल्पर्स। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। सपोज देयर आर टू पोल्स लाइक दिस, देयर हाइट इज सेम। सपोज देयर हाइट इज एक्स, सो दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लाइक दिस एंड विच इज 80 मीटर वाइड। सो दिस रोड इज 80 मीटर वाइड वेयर दे आर स्टैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द, सपोज हियर इज अ पॉइंट पी which is between the road, angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. So one angle is 30 degree, one is 60 degree. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. Suppose ye wala point hai, ye pole hai one, ye pole two hai. Suppose ye distance y le lo aap, इतना हो जाएगा 80 माइनस वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। सपोज इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया पॉइंट पी है और इसको बी दे दिया। अब आपको ए पी फाइंड करना है, पी बी फाइंड करना है और एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले इसको आप नाम दे दो, सपोज सी दे दो, इसको डी दे दो। इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी सी, ये वाला पॉइंट पी है ना, क्लियरली लिख देती हूँ ए पी सी। टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बेस चाहिए। टेन 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स ए सी वो एक्स है, ओवर बेस है वाई आपने एज्यूम किया। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 की वैल्यू आ गई एक्स ओवर वाई। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, किसी की भी निकालो, x की होगी y ओवर रूट थ्री। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब लो ट्राइंगल PBD, ये वाला ट्राइंगल PBD, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर मीन्स x, BD x के बराबर है तो x ले लेंगे, ओवर बेस, बेस टोटल 80 था, इतना वाई है तो इतना 80 माइनस वाई हो जाएगा, तो 80 माइनस वाई ले लेंगे। टेन 60 होता है रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू होगी एक्स ओवर 80 माइनस वाई। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे वाई ओवर रूट थ्री। अब आपको बस सॉल्व करना है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री, थ्री 80 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। थ्री इंटू 80 240 माइनस थ्री इंटू माइनस वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू वाई। थ्री वाई को उधर ले जाओ, 240 की वैल्यू आ गई वाई प्लस थ्री वाई, मीन्स 240 की वैल्यू आ गई फोर वाई। इससे वाई की वैल्यू आ गई 240 ओवर फोर 60, तो वाई आपका आ गया 60 मीटर। अप टू हियर यू नोट डाउन, देन आई विल रब एंड सॉल्व फर्दर। नाउ एज यू नो दैट वाई इज इक्वल टू 60 मीटर केम एंड एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर रूट थ्री इन फर्स्ट इक्वेशन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व। Now x value will come 60 over root 3. You can rationalize it. Root 3 upside and downside you will multiply whenever root is coming downside. 60 into root 3, 60 root 3. Root 3 into root 3, 3 aa jayega. 3 20s are. So x ki value aa jayegi 20 root 3. Means height of pole. Kyunki dono pole equal hai. So height of poles aa jayegi 20 root 3 meter. अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा, एक तो वाई है ये वाला, तो आप लिख दोगे वाई की वैल्यू 60 मीटर। दूसरा है 80 माइनस 60, 80 माइनस वाई है ना, वाई की वैल्यू 60 है, तो 80 माइनस 60 मीटर। सो 60 मीटर एंड 20 मीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। थैंक यू।